हेलो इनोवेटिव मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू कंसीव अ बेबी बॉय थ्रू साइंटिफिक वे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि अगर आप ये खाएंगे तो बेबी बॉय कंसीव होगा, या फिर आप अपनी स्लीपिंग पोजीशन ये रखिए, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे को इंटरकोर्स कीजिए, या फिर कोई मेडिसिन है वो आप खाएंगे तो बेबी बॉय कंसीव होगा, या फिर कई बोलते हैं कि चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से आप देखिए तो उससे पूरा श्योर होता है 100% कि बेबी बॉय होगा कि गर्ल होगी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे किसी भी अंधेरे में नहीं रखूँगी, क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं ये इलॉजिकल है, जिनके पीछे कोई भी साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग इनको ट्राई करते हैं और वो लास्ट में डिसअपॉइंट होते हैं। कई लोग तो इनको इतना रिस्क ले लेते हैं कि कई मेडिसिंस वगैरह ट्राई करते हैं जिनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर आप उनको लेंगे तो आपको या फिर आपके आने वाले बेबी को भी बहुत सारी उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ऐसी कोई भी चीज़ अपने ऊपर ट्राई ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत ही प्रॉब्लम देने वाली चीज़ हो सकती है। देखिए, टेक्नोलॉजी से ज़रूरी पॉसिबल है कि हम बेबी बॉय कंसीव करिए कर सकें। उसका नाम है, जो एक टेक्नोलॉजी है उसका नाम है PGT, जिसे हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इम्ब्रियो को क्रिएट किया जाता है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में, फिर उस इम्ब्रियो की बायोप्सीज की जाती है, ये देखा जाता है कि जो हमें डिज़ायर्ड सेक्स चाहिए मेल या फीमेल वो उसमें है कि नहीं है, और फिर उसको माँ के बच्चेदानी में शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको साथ में ये बता दूँ कि जो PGT है ये इलीगल है इंडिया में। जो पेरेंट्स करवा रहे होते हैं PGT और जो डॉक्टर कर रहे होते हैं एक डिज़ायर्ड सेक्स के लिए, दोनों ही क्रिमिनल एक्ट में आते हैं, जिनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जा सकता है। देखिए, जनरली जो ये PGT का ये पूरा प्रोसीजर है ये किया जाता है ज़्यादातर अगर किसी माँ बाप को कोई बीमारी है और बच्चे को उसमें उस बीमारी से फ्यूचर में बचाने के लिए ये PGT किया जाता है। और इसमें एक खतरा भी है, क्योंकि इम्ब्रियो की जब बायोप्सीज की जाती है तो उसमें इंजरी होने का डर रहता है। तो अगर आप ये किसी डिज़ायर्ड मेल या फीमेल सेक्स के लिए स्पेशली करवाते हैं तो इम्ब्रियो में जब इंजरी आती है तो उससे कल को जो फ्यूचर में आपका बेबी होगा उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है ये, लेकिन हमें जब मतलब कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ही हो कि कोई जेनेटिक डिजीज़ है तभी ही ये करवाया जाता है, इसीलिए इलीगल भी है इंडिया में। तो आप ये PGT करवाएं अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको मतलब इस चीज़ का डर है कि फ्यूचर में आपके बेबी को वो चीज़ प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए PGT ज़रूर करवाई जा सकती है। देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि लड़का हो चाहे लड़की हो, ये नेचर को डिसाइड कर लेने दीजिए। बच्चे जो हैं, चाहे बॉय है चाहे गर्ल हैं, वो इक्वल हैं। वो डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को परवरिश कैसे दे रहे हैं। बच्चा वैसा ही होगा जैसी आप उसको परवरिश देंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपका बच्चा हो वो हेल्दी हो, और डिलीवरी के बाद जो माँ है वो भी हेल्दी हो। तो ये जितने भी सारे मिथ्स हैं इनको एक साइड पर रख दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ्यूचर में आपके बेबी के लिए और आपके लिए कॉम्प्लिकेशन ही लाएंगे, इनसे कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए मैं आपको करने को बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत बॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बॉय एंड गर्ल्स बोथ आर इक्वल। आज के स्पेशली आने वाला टाइम है इसमें तो, या फिर आज के टाइम में भी ऐसा मतलब बॉयज़ और गर्ल्स में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं रह गया, क्योंकि गर्ल्स भी सब वो काम कर रही हैं जो बॉयज़ करते हैं। तो इस चीज़ में हमारे को बिल्कुल भी दोनों में ये नहीं रखना चाहिए कि हाँ बॉयज़ ज़्यादा सुपीरियर हैं गर्ल्स से। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो लोगों कि जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं और बॉयज़ को प्रेफरेंस देते हैं, इस चीज़ से लोग अपनी जो दिमाग में ये उनके बातें हैं इस चीज़ से वो हट जाएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।